दोस्तों अगर पिच पे दो बाउंस होता है तो वो आउट भी दिया जा सकता है, मतलब वो अगर बोल्ड आउट होता है या फिर कैच आउट होता है वो फेयर डिलीवरी होता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल था वो सेमीफाइनल में मोहम्मद हफीज ने एक बॉल किया था जो कि डबल बाउंस हुआ था पिच पे, और वो बॉल जाकर डेविड वॉर्नर ने मारा था एक छक्का और उसे नो बॉल दिया गया। दोस्तों ऐसा क्यों, किसी डबल बाउंस पे दिया जाता है फेयर डिलीवरी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और किसी डबल बाउंस पे दिया जाता है नो बॉल। तो क्या अंपायर की गलती था, अंपायर ने क्या गलत किया, मैं आज आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों एमसीसी जो लॉ करता है, जिसका लॉ कॉपीराइट है क्रिकेट की, उनके लॉ 21 में लिखा हुआ होता है अगर पिच पे डबल बाउंस करता है बॉल तो नो बॉल दिया जाता है और ये पॉपिंग किस तक ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो टेक्निकल टर्म है पॉपिंग क्रीज, ये क्या होता है, ये होता है बैट्समैन जहां पर बैट कर रहे हैं वहां पर एक लाइन होता है, जी हाँ जिस लाइन पे बैट्समैन बैट करते हैं वो लाइन के आगे वाला हिस्सा कहा जाता है पॉपिंग क्रीज, और ये विकेट से 4 फीट आगे होता है। तो अगर बॉल, मतलब कोई बॉलर अगर बॉल करता है और पॉपिंग क्रीज से पहले, मतलब बैट्समैन जो लाइन पे खड़ा हो रहा है उस लाइन से आगे अगर डबल बाउंस होता है तो वो नो बॉल करार दिया जाएगा, और अगर पहला बाउंस वो लाइन के आगे और दूसरा बाउंस वो लाइन के पीछे जाकर होता है तो उसे एक फेयर डिलीवरी माना जाएगा। तो जैसे यहाँ पर इंग्लैंड का डिसमिसल हुआ जहाँ पर बोल्ड आउट हुए हैं, वो पहला बाउंस जो है पॉपिंग क्रीज से पहले, मतलब वो जो बैटिंग लाइन है उससे पहले हुआ था और दूसरा जो बाउंस है वो बैटिंग लाइन के बाद हुआ था, तो ये फेयर डिलीवरी है। और जो मोहम्मद हफीज का बॉल था वो दो बाउंस हुआ था पॉपिंग क्रीज, मतलब वो लाइन से पहले, तो ये नो बॉल करा दिया गया। दोस्तों लॉ के अगेंस्ट में ये डिसीजन एकदम ही सही था, और एक्चुअली जो लॉ है मैंने वो भी आपको बता दिया। तो दोस्तों आपको ये पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, साथ में ये भी लिखिए कि क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।